उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी जिलों में अपनी खबरों के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र अमृत विचार जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद जनपद में एक वर्ष बेमिसाल पूरे होने पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रामपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने पहुंचकर सभी को सम्मानित किया और ये कहा है कि दैनिक समाचार पत्र अमृत विचार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अमृत विचार अखबार का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है देश और समाज की सेवा की जाए और जो देश और समाज के लिए जो लोग योगदान दे रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम भी किया जाए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तेजी से बढ़ता दैनिक समाचार पत्र अमृत विचार ने मुरादाबाद में अपने एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन रामपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया, जिसमें मुरादाबाद जनपद के अलावा अन्य जनपदों की शख्सियतों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने पहुंचकर इस कार्यक्रम की सराहना की और अमृत विचार अखबार को बधाई दी। अमृत विचार अखबार के एक वर्ष मुरादाबाद में सफलतापूर्वक पूरे होने पर अचीवर्स अवार्ड सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी व अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर अमृत विचार अखबार के अधिकारियों द्वारा महिमा चौधरी का स्वागत किया गया। अचीवर्स अवार्ड सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुरादाबाद जनपद के अलावा अन्य जनपदों की शख्सियतों को महिमा चौधरी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का कहना था कि अमृत विचार अखबार लगातार समाज में अपनी अलग पहचान बना रहा है, साथ ही अमृत विचार के माध्यम से एक नई जागरूकता भी पैदा हो रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिमा चौधरी ने कहा कि आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है और जिन व्यक्तित्व को आज मेरे द्वारा सम्मानित किया गया है मैं उनसे ऐसी आशा करूंगी कि वह भविष्य में देश और समाज की सेवा के लिए ऐसे ही काम करते रहें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिमा चौधरी ने आगे कहा, चारों को एक साथ स्टेज पे देख के जिन्होंने मुरादाबाद में इतना काम किया है बहुत खुशी हुई और वाजपेयी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लाइव समझा कि मैं इतने शानदार लोगों के सामने आके मैं उनका सम्मान करूँ। और चांसलर साहब, प्रो चांसलर साहब, के अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, आप सभी को, केशव जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में रह के मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैंने इन लोगों के साथ बहुत चिपक चिपक के फोटो खींचा क्योंकि इन्होंने इंजेक्शन लगाया हुआ है। फिर हमारे जितने पुलिस वाले हैं उनके साथ भी मैंने फोटो खिंचवाया क्योंकि आप लोगों को तो सबसे पहले वैक्सीन लग गया था। बाकी लोगों से मैं अभी भी डर रही हूँ क्योंकि मैं बॉम्बे से आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं कहीं आपको इन्फेक्शन ना दे दूँ क्योंकि बॉम्बे में फिलहाल बहुत डर है ना क्योंकि फैल रहा है। बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आउटडोर था तो इतने सारे लोग आए और सारे परिवार के लोग आए और कुछ लोगों से तो मैंने मजाक भी की कि सारी मेहनत आपने की होगी अब आपका पूरा खानदान आके फोटो खिंचवा रहा है स्टेज पे। तो सारे मर्दों ने डर के बोला नहीं नहीं योगदान तो इनका भी ज्यादा ही था। तो अच्छा लगा पूरे परिवार से मिल लिए क्योंकि योगदान तो सबका होता ही है और बहुत अच्छा लगा आपकी जो यहाँ पे पूरी सपोर्ट सिस्टम है उसको देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। और अमृत विचार को मैं शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं आप इसी तरह सभी का हौसला बढ़ाएं और सभी को जो भी अच्छा काम करें उनको, बिकॉज जब आप काम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है वो है ग्रैटिट्यूड। और जब सोसाइटी आपको मानेगी तो बस उसी में आपकी जो प्यास है वो बुझ जाती है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर अप्रिशिएटिंग पीपल हु आर पुटिंग सोसाइटी बिफोर देमसेल्व्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर, इट हैज बीन माय प्लेजर, थैंक यू सो मच बीइंग अमंगस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। इट वाज सो ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज रियली बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दैट आई हैव बीन टू, आई कैन से दैट। दैनिक समाचार पत्र अमृत विचार का कहना था कि मुरादाबाद जनपद में अमृत विचार अखबार की शुरुआत लॉकडाउन के दौरान की गई थी और ऐसे में अखबार को चलाने के लिए एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, मगर हमने और हमारे पूरे स्टाफ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अमृत विचार अखबार को समाज के बीच एक बेहतर संदेश देने के लिए काम किया। आज हमें बहुत खुशी है कि हमने सफलतापूर्वक एक वर्ष पूरा किया है। मुरादाबाद जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी अमृत विचार अखबार अपनी अलग पहचान बना रहा है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
पूरी दूरी बनाते हुए एक अच्छे ढंग का गरिमामय कार्यक्रम हुआ। ये आम भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं था, बड़ा चयनित लोग बुलाए गए थे जिन्होंने सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको अमृत विचार परिवार की ओर से सम्मानित करना था। ये बहुत संघर्ष का समय रहा, क्योंकि जैसे मुरादाबाद एडिशन हम लोगों ने शुरू किया तो उसके कुछ दो हफ्ते बाद ही लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय अखबार निकालना बहुत कठिन हो गया। हमारे स्टाफ के सहयोग से और पाठकों के सहयोग से, पाठकों के प्रेम की वजह से अखबार लगातार बढ़ता गया, चलता गया, आज एक अच्छी पहचान बना चुका है। मुरादाबाद के नागरिकों से किस सहयोग की अपेक्षा करते हैं? मुरादाबाद के नागरिकों से हम यही अपेक्षा करते हैं कि अखबार को, अमृत विचार अखबार को अपना अखबार समझें, उस जो भी नागरिक समस्याएँ हैं उनको अमृत विचार अखबार के रिपोर्टरों के पास पहुँचाएँ, हम लोग उन समस्याओं को उभारने काम करेंगे, सरकार और प्रशासन से भी कोशिश करेंगे कि वो हल हों।